गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कुछ प्रॉब्लम आ रहा था नेट के चलते, फिर से हम लोग उसको डील करके एक्सेप्ट किए हैं। तो न्यू टॉपिक आज का क्लास में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस वीक में हम लोग यही पढ़ेंगे और जब भी मैथ्स का ऑनलाइन टेस्ट होगा संडे को इसी से पोर्शन रहेगा, इसीलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिसको हम मेंसुरेशन के भी नाम से जानते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है क्यूब, क्यूबाइड, सिलिंड्रिकल शेप यानी सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेवी स्फीयर यानी ये सब आपको पढ़ना है। इस सॉलिड में इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका दो डायग्राम बना हुआ है, फर्स्ट है क्यूब और सेकेंड डायग्राम बनाए हैं क्यूब का और फर्स्ट है क्यूबाइड। ये क्यूबाइड बनाया हुआ है, इन क्यूबाइड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जैसे इस रूम में है, इस रूम में थ्री शेप्स है, इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। जैसे ये एक डस्टर है, आप इस शेप को क्या करोगे, क्यूबाइड करोगे, कारण इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। जैसे कोई नोटबुक ले लो या बुक ले लो, उसका शेप क्या है, क्यूबाइड है, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। इसका हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, डायगोनल भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगा। जैसे इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक साइड पर ये आपका ये होगा, ये भी आपका लेंथ का पार्ट भी ए, ब्रेथ का पार्ट भी ए और हाइट का भी पार्ट। तो ये हम आपको क्यूब, क्यूबाइड और क्यूब बनाए। अब इसका हम कुछ फॉर्मूला जनरेट करते हैं। जैसे फर्स्ट आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो इसका जो वॉल्यूम फाइंड करना है हमने, इसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू हाइट यानी एल बी एच, लेकिन जब आप क्यूब में आ जाते हो, अगर इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो यहां पे वही लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बट इन द प्लेस ऑफ एल पुट ए इनटू ए इनटू ए, दोनों के प्लेस पर ए पुट हो जाएगा यानी ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब लिख सकते हो या साइड का क्यूब लिख सकते हो या एज का क्यूब लिख सकते हो। और भी मान लेते हैं या साइड का क्यूब भी चलेगा या एज, एज मतलब किनारा, तो साइड है इसका क्यूब, या तो ए क्यूब से नोट करो या साइड का क्यूब से नोट करो या एज का क्यूब से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट बताए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अब आते हैं इसका सरफेस एरिया। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये क्या है, इसका शेप को क्या कहोगे, दिस शेप इज क्यूबाइड या क्यूब, ये क्या शेप है बोलो, इसका शेप क्या है, क्यूब है या क्यूबाइड है, इसका शेप
क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी जो अंदर का स्पेस ऑक्यूपाइड था वो वॉल्यूम निकाले। अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है यानी हाउ मेनी फेस इन क्यूबॉइड, वन फेस, टू फेस और थ्री फेस। और जस्ट इसका अपोजिट वन टू और थ्री यानी थ्री थ्री सिक्स फेस होता है। तो आप इसका सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया कर रहा है तो सिक्स फेस का निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया रहेगा ये सब पार्ट का निकालेंगे तो कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। ओके तो हम यहां पर लिख सकते हैं नंबर टू में सरफेस एरिया एरिया ऑफ क्यूबॉइड अब देखिए सरफेस एरिया में टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच क्यों ऐसा होगा। अब जैसे ये एक ट्रैक कोट है जिसका टोटल फेस सिक्स है और एक फेस का एरिया निकाल रहा हूं तो दिस फेस इज लेंथ और दिस इज ब्रेथ तो एल इंटू बी आपका एक फेस का है। ऐसा ऐसा कितना फेस है तो दो फेस है एक टॉप और एक बॉटम तो इसीलिए लिखे एल बी इंटू टू एल बी इंटू टू इस फेस टोटल का हो गया। अगर आप आते हो इसके बाद इस टॉप पार्ट में ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया यानी एल इंटू एच देखो एल इंटू एच ऐसा ऐसा कितना फेस वन एक टू ये भी दो फेस हो गया और इस फेस में आते हैं ये ब्रेथ है और ये हाइट है तो बी इंटू एच और इंटू टू क्यों किए तो एक पार्ट इधर है एक पार्ट टोटल सिक्स फेस हो गया। ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। अब है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है तो जहां जहां एल बी एच है वहां आप ए पुट कर दो क्या पुट कर दो ए तो यहां ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री टाइम तो थ्री ए स्क्वायर और इंटू टू यानी सिक्स ए स्क्वायर सिक्स ए स्क्वायर ए फोर साइड यानी सिक्स इंटू साइड का स्क्वायर इस सेकेंड फॉर्मूला होगा। हर जिसको हम कर्व ना कह करके कर्व भी कह सकते हो या लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हो। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ फोर बार दोनों के प्लेस पर एरिया ऑफ फोर बार निकालना है या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है तो टू इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। कारण कि जब भी आप लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे टॉप नहीं लेंगे और बॉटम नहीं लेंगे क्या लेंगे इस पार्ट को लेंगे ये पार्ट लेंगे ये पार्ट लेंगे और ये पार्ट लेंगे। जैसे ये रूम का सेप है तो टॉप और बॉटम नहीं लेंगे दिस पोर्शन और यानी इस चारों पार्ट को हम कर्व सरफेस चारों वाल है वही कर्व सरफेस एरिया हुआ टॉप और बॉटम को छोड़ करके यानी एल इंटू एच जैसे इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो लेंथ हुआ और हाइट हुआ ऐसा ऐसा कितना है तो दो पार्ट है एक दिस पार्ट एक दिस पार्ट। फिर आप ये पार्ट आते हो तो ब्रेथ इनटू हाइट तो बी इनटू एच ब्रैकेट तोड़ेंगे तो और इनटू टू एक पार्ट का ही एक पार्ट का तो ये चारों दीवार का एरिया कर सकते हैं इसको या आप इसको
the lateral surface area of cuboid. अरे ऐसे समझ के करोगे तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा. आपको समझना है कि फोर वॉल क्यों लिख रहे हैं या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम क्यों लिख रहे हैं, ये आपको समझना है. अगर ये समझ में आ गया तो बस फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा, आप खुद बना लोगे फॉर्मूला कहां से आया है ना. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 × L + B × H, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यू, अगर यही क्यू आ जाता है तो जहां एल बी एच है वहां हम ए पुट कर देंगे. तो ए प्लस ए 2A और इंटू 2 4A और इंटू ए एच बराबर ए, तो 4A² यानी आप यहां पर अगर ऐसे करते हो 2 × A + A और इंटू ए, तो जहां एल है बी है एच है तो आप ए पुट, एल के जगह पर भी ए पुट कर दिए, ब्रेथ के जगह पर भी ए पुट कर दिए और हाइट के प्लेस पर भी ए पुट कर दिए. तो 2 × A² × A 2 × 2A 2 × 2A × A तो 4A² यानी इस सभी का प्रोडक्ट क्यू में आया 4A² ए. अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है या केवल सरफेस एरिया ऑफ क्यू 6A² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यू या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यू तो 4A². अगर आपको एक रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट मालूम है और पूछे कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट रॉड रखना है, रॉड लोहे का छड़, तो आप कैसे फाइंड करोगे तो बताएगा. अगर लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है तो लॉन्गेस्ट रॉड कैसे आप रखेंगे, तो एग्जैक्टली इस डायगोनल से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ले जाओगे या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ले जाओगे तो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड रखाएगा. यानी आपको एल बी एच यानी डायगोनल ऑफ क्यू आई ओ बी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये डायगोनल जो हुआ इस कॉर्नर का वो कॉर्नर डायगोनल कहलाया और वही सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है क्यूबॉइड का डायगोनली कॉर्नर. तो रूट अंडर L² + B² + H² यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. और जब क्यू में आगे कि लेटरल डायगोनल ऑफ क्यू तो यहां पर एल बी एच की प्लेस पर पुट कर दोगे A² + A² + A² तो अगर आप पुट करोगे ऐसे A² तो देखो क्या आएगा, रूट अंडर A² + A² + A² तो A² + A² + A² 3 times अने 3A², तो √3A क्या हो जाएगा, अस A² का √A तो √3A. तो डायगोनल ऑफ क्यू √3 और A ये आपका बाहर हो जाएगा, इसको हम तो यहां पर आप चार चार फॉर्मूला समझ करके पढ़े. किसी को प्रॉब्लम इसमें, हर्ष हर्ष ये जो अभी बताए क्यूबॉइड और क्यू, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया, और क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब के हेल्प से क्यूबॉइड भी हम निकाल दिए तो इसको याद कर लेना है
और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन आगे बनाएंगे। अब है हम आते हैं एक सिलिंड्रिकल शेप, इसको हटाते हैं, पहला एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बेस्ड दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है टू फाइंड द वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया TSA टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल L सरफेस एरिया LSA ऑफ ए क्यूबॉइड व्हिच इज long, 12 meter wide, and 4.5 meter high. And length, breadth, or height, 3 meter में है. आपका ये भी meter में है, length, long, breadth, wide भी meter में है, और तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ यहां क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L into B into F, अरे length into breadth into height लिखिए। We know that L is equal to, आप एक बार लिख दो, L is equal to 15 meter, wide and B is equal to 12 meter, and height H is equal to 4.5 meter. L into B into H, length 15 into 12 into 4.5 और तीनों को मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर या वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो मीटर क्यूबिक हो या क्यूबिक मीटर ऐसे तो ऐसे लिखेंगे मीटर क्यूब, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना मीटर का क्यूब। अब हम तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 810 मीटर क्यूब। उसी ढंग से सेकेंड पॉइंट करना है, वॉल्यूम हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट निकालें, सेकेंड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 अब यहां पर एल इंटू बी 15 इंटू 12 प्लस बी इंटू एच 12 into 4.5 plus H into L 4.5 into 15. अब आप पहले दोनों को प्रोडक्ट करोगे, फिर इसको करोगे, फिर 4.5 into 15 करोगे, इसके बाद तीनों का सम करने के बाद उसे प्रोडक्ट करेंगे। 180 आया, 15 into 12
180 और 12 × 45 54.0 आया और इसको प्रोडक्ट करोगे 67.5 अब आप ऐड कर दो तो ऐड करने के बाद और प्रोडक्ट करोगे तो इसका 603 आएगा टोटल इसका इसका प्रोडक्ट जैसे इसको सम करके 180 प्लस 54.0 प्लस 67.5 यहाँ 5 आया 4 7 और 4 11 1 9 और 5 14 और 6 20 2 1 3 तो 301 आ रहा है 1.5 अभी 2 मल्टीप्लाई 301.5 दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 603 आएगा 603 मीटर स्क्वायर क्योंकि हम यहाँ पर सरफेस एरिया निकाले तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर ओके